नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट, कक्षा 8 में फिर से आपका स्वागत है। हम 8वां पाठ लेकर आए हैं, संसार सागर से नायिका। इसमें हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। सहसेव ये ना अकस्मात अचानक, प्रकटीभूता प्रकट हुए दिखाई दिए, नेपथ्य पर्दे के पीछे, तड़ागह तालाब निर्माण हित तड़ागम यानी कि बनाने वालों की, निर्माण त्रणाम बनाने वालों की, बनवाने वालों की, बनाने वालों की, एककम यानी इकाई यानी सिंगल डिजिट, देन दशकम दहाई, शतकम यानी सैकड़ा सौ, सहस्त्रकम यानी हजार, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उद्भूता उत्पन्न हुई जागृत हुई, अस्मात् पूर्वम इससे पहले, माप ये तुम मापने के लिए नापने के लिए, प्रयतितम यानि प्रयत्न किया, बहुप्रथिता बहुत प्रसिद्ध, अशेष यानि संपूर्ण, निर्मयंते इसमें यानि बनाए जाते थे, निर्मातार यानि बनाने वाले, गजधर यानि गज, लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई नापने की एक लोहे की एक छड़ होती है जिसको कि गज कहते हैं, को धारण करने वाला व्यक्ति, तड़ाग निर्माण तटडणाम तालाब बनाने वालों के, त्रिहस्त परिमाण माणात्मिकम किम, तीन हाथों की जो नाप होती है छड़ जो होती है लोहे की, गंभीर्यम यानी गहराई, वास्तुकार भवन आदि निर्माण करने वाले, काकम यानी चाहें भले ही, निभा लेते इसमें निभाते थे, अधृतानी यानी आधारित, आकलयंती इसमें अनुमान करते थे, उपकरण संभारान साधन सामग्री को, संग्रहंती इसमें संग्रह करते थे, प्रतिदाने यानी बदले में, याचनते इसमें यानी मांगते थे, अतिरिच यानी अतिरिक्त। तो हम पाठ शुरू करते हैं। के आसन ते अज्ञात नाम, कौन है ये अज्ञात नाम वाले, शतश सहस्त्र तड़ागा सहसेव शून्यतान न प्रकटीभूता। तो सैकड़ों हजारों तालाब अपने आप प्रकट नहीं हो गए हैं, इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागर इति। तो ये जो तालाब हैं यही संसार सागर के नाम से जाने जाते हैं। एतेषां आयोजनस्य नेपथ्य निर्माण पैतृणाम एककम, तो इनके निर्माण के पीछे यानी नेपथ्य यानी पीछे एक होता है, एककम निर्माण त्रणाम दशकम असिन, और निर्माण करने वाले जो है दस होते हैं। तो एतत एकम दशकम च अहत्य शतकम सहस्त्र वा रचयते स्म, तो एक और ये दस मिलके जुड़कर अहत्य ने जुड़कर सहस्त्र मतलब शतक सैकड़ों और हजारों को इन्होंने रच दिया है, यानी उन तालाबों को इनको रचना की है। परम विगतेषु त्रिशत वर्षेषु नूतन पत्या समाजेन यत किंचित पठितम, परंतु पिछले दो दशकों से नई पद्धति से जो पढ़ते आ रहे हैं, पठितेन्ते समाजन एकम दशकम सहस्त्रकचम इत्येन शून्य एव परितरतानि, और उन्होंने उस समाज में इन सबको जो है शून्य कर दिया है, जो सैकड़ों और हजारों को सौ हजारों को जो रचते थे और उनकी जो प्रशंसा की जाती थी पुराने समय में, उसको नए पढ़ने वालों ने शून्य कर दिया, यानी कि उसको भुला दिया है। सॉरी। अस्य नूतन समाजस्य मनसि एवमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वक एततम् तड़ागान् के रचयन्ति। तो
नूतन नए समाज में पढ़ने वाले उन लोगों के मन में कभी भी जिज्ञासा नहीं हुई कि इन लोगों इन सब की रचना किसने की होगी। एतर दश्यानि कार्याणि कृतुम ज्ञानस्य या नूतनं प्रविधि विकसित तेन प्रविधिनापि पूर्व संपादित एतत् कार्यमापिन्तु न केनापि प्रत्यति। यानी कि इस प्रकार के कार्य करने वाले और इनके ज्ञान और नूतन जो नया ज्ञान आ गया है, नई प्रक्रिया आ गई है, उसके बाद से इन सबको जो है वो शून्य कर दिया, उसको उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और न ही किसी ने उसको नापने की जो है वो प्रयास किया, मापने का भी प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात मानव वर्तते, आज ये जो है वो अज्ञात है इस प्रकार से, जिनको कोई इनको नहीं जानता। पुराते बहु प्रतिता आसन, पुराने समय में जो है वो इनकी बहुत उनको सम्मान था। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मन्ति इसमें, और अशेषे ने संपूर्ण देश में इन्होंने उन तालाबों की रचना की। निर्मितारोपी अशेषे देशे निवसंती, और संपूर्ण देश में ये निवास करते थे। गजधर इति सुंदर शब्द, मतलब गजधर कौन होता है, ये बड़ा सुंदर शब्द है। और तड़ाग निर्मा तड़ा साधारण स्मरणार्थम, और इस तालाब के निर्माण करने वालों को का जो है वो सादर से उनको स्मरण किया जाता था। राजस्थानस्य केशुचित भागेशु शब्दोयम अद्यापि प्रचलित, तो राजस्थान के बहुत से स्थानों पर, बहुत सी जगहों पर आज भी ये नाम जो है वो प्रचलित है, गजधर। गजधर क गजधर, कौन गजधर? यह गज परिमाण धारयति स गजधर, जो गज परिमाण गज की माप को धारण करता है उसे गजधर कहा गया है। गज परिमाण एवं मापन कार्य उपयोजते, और गज का परिमाण जो है नापने के कार्य को के उपयोग में लाया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मक लोहिष्टी हस्ते गृहत्वा चलंत गजधर, इदानीम शिल्प रूपेण नेव समाद्रता संति। तो तीन हाथ लंबी, जो कि पहले हम जो है वो फुट, अभी आजकल स्क्वायर फीट में होता है, उस समय जो है वो गज का इसका परिणाम परिमाण गज के तौर पे उसको मापा जाता था। तो तीन हाथ लंबी जो है लोहे की छड़ को जो धारण करता है और उसको जो है वो गजधर बताया गया है। गजधर लोहिष्ठ, लोहे की जो वो छड़ हाथ में रखने वाला गजधर, यह समाजस्य गंभीर माप्यते इत्यस्मिन रूपे परिचित, और यह जो समाज की गहराई भी नापते थे। गजधर वास्तुकार आसन, गजधर वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजे बहुतु नगर समाजेन वा तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वम गजधर निभालयन्ति स्म। तो ये लोग जो है ग्रामीण समाज में, गांव में, नगर में, या कोई प्रकार का नया निर्माण होने वाला हो उसका भी दायित्व लेते थे और उसको पूरा करते थे, निभाते थे, निभालयन्ति स्म। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणि कार्याणि तेष्वे अध्याते आसन। तो नगर का नियोजन, जो नगर की रचना है उसमें किस प्रकार से क्या चीज़ कहाँ पर क्या बनने वाली है, और इस प्रकार के चाहे छोटा काम हो, लघु निर्माण पर्यंत छोटे से छोटा काम भी इन्हीं की जवाबदारी होता था। वो लोग इसको बड़े सुंदर तरीके से करते थे। ते योजना प्रस्तुतवंती इसम भविव्यम आकलयंती इसम। तो ये योजना को प्रस्तुत भी करते थे और उसका कितना खर्च होगा, भविव्यम यानी उसमें कितना व्यय होगा, वो भी आकलन बताते थे। जैसे इसके आजकल हम बोलते हैं ना कि आज ये काम करवाना है तो इसका एस्टीमेट क्या चाहिए, तो एस्टीमेट अपन बनवाते हैं कि कितना लगभग इतना होगा, तो इस प्रकार का काम भी वो लोग करते थे। उपकरण भारान संग्रहणंती इसमें, और सभी प्रकार के उपकरणों को भी जो है वो संग्रह करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते इसमें यद दातु तेषां स्वामिनः,
असमर्था भवेयु। यदि या जो सामने वाला सामने वाले से मांगते नहीं थे, जो काम करवा रहा है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए क्या, सामने जिसने काम करवाया है वो जो जितना भी उनको पैसा देते थे वो रख लेते थे, अपनी तरफ से कोई मांग उनकी नहीं होती थी। कार्य समाप्त तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरभ्य सम्मानापि प्रदीयते स्म। तो और कार्य के समाप्त हो जाने पर इन सब का जो है वो सम्मान किया जाता, सम्मान के तौर पर कुछ और भी प्रदान किया जाता था। तो नम एतादश्यभ्य शिलभ्य, तो नमन है इस प्रकार के शिल्पकारों को जिन्होंने इस प्रकार की रचना की है। तो हमने इस पाठ में देखा है, छोटा सा पाठ है संसार सागर से नायिका, इसके प्रश्न उत्तर आपको पीडीएफ में दिए गए हैं। धन्यवाद।